नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। तो प्यारे दोस्तों, आज एक छोटी सी वीडियो के साथ में मैं यहां पर हाजिर हुआ हूं आप लोगों की सेवा में। और ये हमारी जो वीडियो रहेगी वो मेरे दोस्तों वो वोकैब की रहेगी, ठीक है। इससे पहले हमने एक वीडियो दी थी आपके सेम रूट वर्ड पर, जो आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, फोबिया। भाई बहुत ही ज़बरदस्त वर्ड है, बहुत ही ज़बरदस्त रूट है, और इस रूट से हमेशा पेपर के अंदर एक या दो वर्ड ज़रूर पूछे जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, लेट ना हो, आओ चलते हैं फोबिया की तरफ। भाई फोबिया रूट है हमारा, जिसका मतलब होता है एक्सट्रीम फियर, एक ऐसा फियर कि वी डोंट नो द रीज़न वाई वी हैव फियर फॉर दैट थिंग। उस चीज़ के लिए हमारे मन में डर क्यों होता है, हमें रीज़न का नहीं पता होता, लेकिन वो जो डर होता है वो हमारा एक्सट्रीम होता है, बिल्कुल ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डर होता है। रीज़न हमें नहीं पता होता लेकिन हम उसी से डरते हैं, तो वो होता है भी फोबिया, राइट। अब भी चलते हैं साथियों फर्स्ट वर्ड की तरफ, हिमेटो। भाई रूट वर्ड से वक्या आपको करना बड़ा ही बेहतरीन एक तरीका है। अगर आप रूट वर्ड से याद करते हो तो आपको तुरंत वर्ड्स याद हो जाते हैं और लंबे समय के लिए, राइट। हिमेटो फोबिया, भी फोबिया आपको पता है फियर है, और हिमेटो का मतलब होता है साथियों ब्लड। क्या होता है भाई? ब्लड। तो फियर ऑफ ब्लड, फियर ऑफ ब्लड। भाई कोई भी व्यक्ति अगर ब्लड को देखे, ठीक है, तो एकदम से डर जाता है, ठीक है। अगर ऐसा डर किसी भी इंसान के अंदर होता है तो वो जो डर है, वो जो एक्टिविटी उसकी है, उसको कहा जाता है हिमेटोफोबिया। क्या कहा जाता है बोलो? हिमेटोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, एक्रोफोबिया। क्या बढ़ते हैं भाई? एक्रोफोबिया। तो फोबिया को तो हमें बताने की ज़रूरत है नहीं, अब दूसरी वीडियो हमारी ये है इसी रूट पर। एक्रो का मतलब होता है साथियों हाइट। क्या होता है भाई? हाइट। तो आप समझ ही गए हो भाई, यस समझ ही गए हो, फियर ऑफ हाइट। क्या होता है साथियों? फियर ऑफ हाइट, राइट। ठीक है भाई, फियर ऑफ हाइट। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी शाहरुख खान की, यस बाजीगर, ओ बाजीगर, काजल की सिस्टर, जिसको शाहरुख खान ने ऊपर से जाकर नीचे धकेला था, राइट। उनको क्या था? इस कौन सा फोबिया था भाई? एक्रोफोबिया। वो हाइट पे डरती थी जाकर। काजल ने जब ये देखा कि हाइट ऊपर से उसने गिर कर आत्महत्या की है, तो उसको यकीन नहीं हुआ, उसने कातिल तक, जो शाहरुख खान थे, कातिल तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प ली अपने एक साथी फ्रेंड की, ठीक है। तो दोस्तों, एक्रोफोबिया क्या होता है भाई? फियर ऑफ हाइट। जिन जिन बंदों को डर लगता है हाइट से, भाई एक्सट्रीम फियर ये होता है, हमें रीजन का नहीं पता होता लेकिन जब भी हम जाते हैं तो हाइट से हमें डर होता है, तो इसको बोला जाता है भाई एक्रोफोबिया। क्या बोला जाता है भाई? एक्रोफोबिया। ब्रोंटोफोबिया, क्या है साथियों? ब्रोंटोफोबिया। इस ब्रोंटोफोबिया, ब्रोंटो का मतलब है लाइटनिंग या थंडर। क्या है भाई? लाइटनिंग या थंडर। शायद एक वर्ड हमने इससे पहले और किया है इसी के ऊपर भाई, एस ट्रैपो। क्या है भाई? एस ट्रैपोफोबिया, ठीक है, एस ट्रैपोफोबिया। एक वर्ड मैं और दे देता हूँ आपको भाई, के रानो फोबिया। तीनों का ही मतलब एक है, ब्रोंटोफोबिया, एस्ट्रैपोफोबिया हमने पहली वीडियो में किया था भाई, क्रेनोफोबिया, तीनों का ये एक मतलब है साथियों, लाइटनिंग। क्या है भाई? लाइटनिंग। ये जितने भी रूट वर्ड्स हैं ना, ये सारे के सारे लैटिन और ग्रीक से निकले हुए हैं, ठीक है भाई, लैटिन और ग्रीक से निकले हुए। तो लैटिन और ग्रीक में के मीनिंग होते हैं दोस्तों ये, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या है भाई? ब्रोंटो, एस्ट्रापो और केरेनो, सबका मतलब किससे साथियों? लाइटनिंग से, लाइटनिंग या भाई थंडर, ठीक है, लाइटनिंग और थंडर। तो क्या होगा भाई? फियर ऑफ
थंडर कहें भाई या लाइटनिंग, भाई ये भी एक डर हो जाता है इंसान के, स्पेशली बच्चों में, ऊपर से बिजलियां कड़के, ठीक है, लाइटनिंग चल रही हो भाई, तूफान चल रहे हैं, आंधी तूफान चल रहे हैं, तो एक फियर होता है स्पेशली बच्चों में, बच्चे भागकर अंदर चले जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, ठीक है। याद कीजिए अपने वो बचपन के दिन, यस, याद करो वो बचपन के दिन, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भला छीन लो मुझसे मेरी जवानी, है ना, वो दिन याद कीजिए भाई, उन दिनों में आप इस ऐसी ऐसी चीज़ों से डरते थे। आगे बढ़ते हैं साथियों, ऑटोफोबिया, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है भाई। ऑटोफोबिया, ऑटो का मतलब होता है भाई सेल्फ, आप कोई थ्री व्हीलर मत बोल देना यहाँ, है ना, कभी आप थ्री व्हीलर बोलो और मैं मुक्का मारूँ आपको वहीं से। यस, ऑटोफोबिया, सेल्फ, इसका मतलब कि कोई व्यक्ति अपने आप से डरे, अपने आप से डरे भी, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि भी लोनलीनेस से, अकेलेपन से, ठीक है, यस, अकेलेपन से, तन्हाई तन्हाई तन्हाई, दोनों को कितना पास ले आए, तन्हाई से डरे, ठीक है, यस, जो अपनी तन्हाई से डरे भी, अकेलेपन से डरे, फियर ऑफ इस लोनलीनेस, ठीक है, फियर ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन से डरे भी, अपनी तन्हाई से डरे, दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, ठीक है भाई, इस फियर ऑफ लोनलीनेस, अपने आप से अकेले से डर होना। आगे देखो साथियों, एटेलोफोबिया, क्या है भाई एटेलोफोबिया, एटेलो का मतलब होता है साथियों लैटिन में ही इम्परफेक्टनेस को भैया, इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन, ठीक है, तो ये होता है फियर ऑफ नॉट डूइंग वेल, यस, फियर ऑफ नॉट डूइंग वेल, अगर ये डर आपके अंदर है तो आप किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाते, चाहे एबिलिटी आपके अंदर भी हो, ध्यान से सुनना, एबिलिटी उस काम को करने की चाहे आपके अंदर भी हो, ठीक, बट आपके माइंड में अगर ये फियर है कि भाई मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो परफेक्ट तरीके से इसको नहीं कर पाऊंगा, तो डेफिनेटली आप नहीं कर पाओगे कभी भी, ठीक है, तो इस फियर को क्या बोला जाता है भाई, एचेलो फोबिया, फियर ऑफ नॉट डूइंग वेल। नेक्स्ट पे आइए भाई, इस नेक्स्ट जो वर्ड हमारा है वो क्या है भाई, एक्लियोफोबिया, क्या है साथियों, एक्लियोफोबिया, अब फोबिया तो आपको पता ही है भाई क्या है, फियर, एक्लियो का क्या मतलब होता है भाई, यस, एक्लियो का मतलब होता है साथियों डार्कनेस, क्या है भाई, डार्कनेस। एक वर्ड और मैं आपको बताता हूँ, नाइक्टोफोबिया, नाइक्टो का मतलब भी साथियों क्या होता है, डार्कनेस, और एक्लियो का मतलब क्या होता है, डार्कनेस, तो क्या कहोगे भाई, फियर ऑफ डार्कनेस, भी अंधेरे से डर लगना, यस, याद कीजिए बचपन के दिन घर वालों ने आपको कहीं भेज दिया, ठीक है, 8 बजे के बाद, और एक भीड़ी सी गली है, और उस भीड़ी सी गली के अंदर कोई लाइट नहीं है, और उसके अंदर से आपको गुजरना है, क्या करते थे आप, सीटियां बजाते हुए वहाँ से चलते थे, और इतनी ज़ोर से एकदम से भागते वहाँ से, राइट, तो वो जो डर होता था वो क्या होता भाई, यस, फियर ऑफ डार्कनेस क्या होता है, एक्लियोफोबिया का हो या नाइक्टोफोबिया, ठीक है, नाइक्टोफोबिया, कई इंसानों के दिल में ये होता है, ये भय, ये डर कई इंसानों के दिल में होता है, वो कभी भी अंदर नहीं जाएंगे, छोटे बच्चे खासकर, अगर लाइट को आप बुझा दो तो अंदर नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, ठीक है, ये डर उनके मन में बैठ जाता है, राइट। एब्ल्यूटोफोबिया, एब्ल्यूटो से आप मतलब कर सकते हैं भी, यस, क्लीनिनेस, क्या मतलब ले सकते हो भाई, क्लीनिनेस या क्लीनिंग ले लीजिए चलो, या वॉशिंग, क्या लो भाई, वॉशिंग, ठीक है, तो एब्ल्यूटो, वॉशिंग कह सकते हैं भी, क्लीनिंग कह सकते हैं आप, बाथिंग कह सकते हो, ठीक है, तो फियर ऑफ बाथिंग, फियर ऑफ बाथ, जो नहाने से डरते हैं, साफ सफाई से डरते हैं, ठीक है, साफ सफाई जिनको पसंद नहीं होती, राइट, तो क्या होता है, एब्लिटोफोबिया,
यस हैबिलिटोफोबिया भी इम्पोर्टेंट वर्ड है, हालांकि ऐसा होता नहीं इतना ज़्यादा है ना, लेकिन किसी ना किसी के मन में ऐसा हो सकता है कि उसको साफ सफाई से डर लगता हो, तो क्या कहलाएगा साथियों, हैबिलिटोफोबिया। आगे बढ़े अभी अकाउस्टिकोफोबिया। अकाउस्टिको का मतलब है भाई, अकाउस्टिको का मतलब है साउंड। ये किससे रिलेटेड है भाई, साउंड से। एक वर्ड में और आपको दे देता हूँ साथियों इसी का, फोनोफोबिया। क्या है भाई, फोनोफोबिया। अब फोनो फोन इस जो फोन वर्ड है भाई आपका, फ़ोन में क्या होता है भाई, आवाज़ इधर से उधर जाती है, तो साउंड का ही तो सारा सिस्टम है ना, तो उसी से फोनोफोबिया बना है। और अकाउस्टिको भी किससे रिलेट करते हैं, साउंड से। तो क्या है भाई ये, फियर ऑफ साउंड। क्या है, फियर ऑफ साउंड। ठीक है भाई, किसी को साउंड से डर लगे, फियर ऑफ साउंड, साउंड पसंद ना हो, बहुत सारे इंसानों को होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अकाउस्टिकोफोबिया का हो या फोनोफोबिया, ये ज़्यादातर पूछा जाता है पेपर के अंदर। ठीक है, ट्रिकोफोबिया। ट्रिकोफोबिया, ट्रिको का मतलब होता है भाई हेयर, हेयर। ठीक है, एक ऐसा डर अपने बालों को लेकर, कभी तुम्हारे बाल टूट ना जाएं, वो गिरने ना लग जाएं, झड़ने ना लग जाए, हाई में गंजी ना हो जाऊं। ठीक है, इस वो जो भय होता है वो क्या होता है, ट्रिकोफोबिया, फियर ऑफ हेयर फॉलिंग। क्या कहोगे भाई, फियर ऑफ हेयर फॉलिंग। नेक्स्ट, एंजोफोबिया। एंजोफोबिया, एंजो का मतलब आपने एक रूट वर्ड किया है भाई मेरे साथ मिलकर इससे पहले, याद कीजिए। एंजो मतलब, इस एंजो का मतलब क्या था भाई, मैन। फोबिया फियर, तो फियर ऑफ मैन। क्या साथियों, फियर ऑफ मैन। ठीक है, मेल सेक्स से डरना बच्चों के अंदर होता है, मम्मी के पास वो आराम से चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन पापा के पास आने में पता नहीं वो क्या भूत दिखाई देता है। ठीक है, पापा के पास वो जाते हुए डरते हैं, है ना। पैसे आप अपने खुद के दिन याद करो, स्कूल टाइम के पैसे मांगते थे, मम्मी के पास जाते थे, हालांकि ये पता था कि पैसे पापा को देने, पैसे पापा ही देंगे, ये जानते थे, लेकिन पहले जाओगे मम्मी के पास। तो वो जो डर आपके मन में होता था क्या होता भाई, एंट्रोफोबिया। क्या होता है साथियों, एंट्रोफोबिया। सो दिस वर द वर्ड्स फॉर टुडे एंड इट इज़ इनफ फॉर टुडे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन इट वॉज Nice meeting you. Bye bye. Good night. Have a nice day.